नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube नवीन लॉ टेक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जो है ना, बहुत सी क्वेरी आ रही है, बहुत से टैक्स पेयर्स हैं, उसने क्या क्या है? पिछले ईयर का जो GSTR 4 फाइल किया है, कंपोजिशन डीलर वाले जो है, उन्होंने जो है ना क्या क्या GSTR 4 में जो है ना वो एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है कि उन्होंने कॉलम 5 जो है ना, समरी ऑफ CMP जो होता है, वो उन्होंने जो उनको ऑटो पॉपुलेटेड होता था उसके आधार पर उन्होंने फाइल किया, लेकिन वो कॉलम 6 जो है टैक्स वाइज इनवर्ड सप्लाईज और एट्रैक्टिव रिवर्स चार्जेज या एंड फिर जो है ना आउटवर्ड सप्लाईज, ये कॉलम जो 6 को है ये फाइल उन्होंने नहीं किया जो है ना, जिसके कारण उनके पास इशू क्या हो गया। जब GSTR 4 उनका प्रोसेस हो गया और प्रोसेस होने के बाद कुछ समय के बाद अभी जो है ना निगेटिव लायबिलिटी का जो स्टेटमेंट आ रही है, इस निगेटिव लायबिलिटी के स्टेटमेंट में उनको जो है ना निगेटिव लायबिलिटी दिखना चालू हो गया। तो ये चालू हो गया तो अब वो कंफ्यूज हो गए हैं, तो अब हम करें क्या। बाद में उनको पता चला कि जो है ना हमने कॉलम जो है ना 5 GSTR 4 का जो है ना जो है कॉलम 5 ऑटोप्लेट प्लेटा वो तो करेक्ट किया या सही किया, या फिर जो है ना जो भी ऑटोप्लेट प्लेटा उसके आधार पर मैंने मैच करके अपना डेटा जो है ना और फिर जो है ना फाइल कर दिया। लेकिन वो कॉलम 6 जो टैक्स रेट वाइज जो उनको डिटेल देना था कि किस रेट पे कौन कितना टैक्सेबल वैल्यू का उन्होंने जो है ना सेल किया है जो है ना, तो वो उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण उनको डिफिकल्टी हो गई। तो आइए इसमें जो है ना, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कैसे इसको GSTR 4 में ही जो है ना अभी जो है ना फाइल होगा नेक्स्ट ईयर का, यानी 19-20 में अगर उन्होंने गलती किया तो 20-21 में भी गलती किया है बहुत से आदमी, तो अभी जो है ना जो है तो 20-21 का जो है ना अभी फाइल जो होगा वो उसमें जो है ना किस तरह से करेक्शन करेंगे। सपोज कीजिए 19-19 में उन्होंने गलती किया है तो 20-21 में उन्होंने कैसे करेक्शन करेंगे। एक आदमी का भी क्वेरी भी आया था, उन्होंने क्या किया है कि 19-20 में भी गलती किया है, 20-21 में भी फाइल कर दिया और गलती ही की है, तो फिर 20-21-22 का भी जो फाइल करेंगे तो फिर वो किस तरह करेक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिटेल से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है ना मेरे चैनल पर पहली बार है या मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट मिलता रहे, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो है ना मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब किए हुए नहीं रहते, इससे क्या होता है कि आप तो चैनल देख लेते हैं और जो है ना फिर बाद में आप मैं वो वीडियो जब आप अपलोड करता हूँ जो है ना यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है या फिर आप उस वीडियो को देख नहीं पाते हैं, तो या फिर जो है ना आपको रिटर्न मेरे चैनल पर आना पड़ता है देखने के लिए। इससे बेटर है कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो है ना भी जो है ना जो है अंदर से जो है ना वो ये होगी कि जो है ना हाँ, मेरे चैनल को प्रोत्साहन मिलेगा, एक तरह से प्रोत्साहन रिवार्ड भी मिलेगा कि जो है ना आप जब मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्रोत्साहन रिवार्ड भी हमको मिलेगा, उस रिवार्ड का भी से खुश होकर और ज़्यादा हम अच्छे बेटर से जो है ना YouTube का जो है ना पे वीडियो डालेंगे आप लोग को बेनिफिट के लिए। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके जो है ना मेरे चैनल का से जुड़ जाइए और हर तरह का वीडियो देखिए। तो आइए हम लोग जो है ना उसको अब जो है ना मेन मुद्दे पर आते हैं कि GST 4 का जो है ना प्रॉब्लम हुआ तो उसको सही कैसे करेंगे। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, अब जो है ना मैं आपको बताया कि जो है ये समरी की यहाँ पे आती है कॉलम जो है ना 5 में जो है ना ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 4 का जब फाइल करने लगेंगे आप जो है तो ऑटो पॉपुलेटेड ये समरी दिखेगा। इसमें क्या है कि ये समरी जब इस तरह का ऑटो पॉपुलेटेड दिखेगा आपको जो है तो यहाँ पे एक सिलेक्ट का टैब है, यहाँ पे आप समरी ऑफ जो है ना CMP ऐड आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपका डेटा सेम वो इसी तरह से डेटा आएगा। अब है कि आपको ये डेटा जो है ना जब आएगा तो जिस फिनेंशियल ईयर का भरे हैं उसी ईयर का फिनेंशियल ईयर का डेटा आएगा, पीछे ईयर में जो है ना आपने मिस्टेक किया तो उसका डेटा आएगा नहीं।
और उसका डेटा को अभी यहाँ पे देखना भी नहीं है। कहाँ पे देखना मैं आपको बताऊंगा। तो समरी को आप जब देखेंगे, चेक कर लेंगे, आपका अगर मैच नहीं होता है, मीन्स CMP 08 में आपने फाइल किया है तो यहाँ पे आएगा ही। और ऐसे भी होंगे कि आपने CMP 08 तो फाइल किया लेकिन आपका कुछ इन्वाइसेज रह गए, या कुछ एरर हो गया है, या फिर जो है ना आप कहीं पे 2 करोड़ जो है ना, कहीं पे आपको 50 लाख भरना था, या 30 लाख भरना था, या तो 15 लाख भरना था, वहां पे आप 12 लाख भर के भर दिए, तो फिर उस तरह से आपका जो है ना यहाँ पे चेक जो है ना सेल दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे एडिट सेक्शन का जो है ना नहीं है यह, लेकिन ऐड सेक्शन का है। आप ऐड करके, जैसे आपका आउटवर्ड सप्लाइड है, आउटवर्ड सप्लाइड में आप ऐड का टैब डालेंगे, आपका दिखेगा, और ऐड का टैब डाल के जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये समरी है, लेकिन ये तो ये आपका समरी होने के कारण ये एडिबल नहीं है, आप एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐड का जो है ना ये है, जब आप इसको टैप करेंगे इसे, तो आपको ऐड का मिलेगा। तो ऐड करके आप यहाँ पे जो है ना, जो भी है आपका जो है ना छोटा हुआ CMP 08 है, उसमें आप उसका जो है ना वैल्यू डाल के यहाँ पे आप कर सकते हैं। और करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे उसको ऑटोमेटिक में आपका वो सेव हो जाएगा, जो है ना आप सेव कर देंगे। जब आप सेव कर देंगे तो अब बात आती है क्या कि आप पीछे ईयर का करना क्या है। पीछे ईयर में जो है ना आपने जो है ना छोड़ दिया CMP 08 तो फाइल किया जो है ना, लेकिन जो है ना इस समरी भी आपने फाइल कर दिया, लेकिन आप कॉलम 6 आपने फाइल नहीं किया था, जिसके कारण कॉलम 6 फाइल नहीं किया था, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है वहां पे, आपको इशू हो रहा है कि जो है ना निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है। तो आपको ये कॉलम में आपको क्या करना है कि टैक्स वाइज जो पिछले ईयर का है, जो आपका छोटा है, मीन्स कॉलम 6 में नहीं डाला था, उस ईयर का जो टोटल वैल्यू जो है ना आपका टैक्स वाइज, टैक्स रेट वाइज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्स रेट वाइज जो है ना आप इसमें वैल्यू ऐड करेंगे दोनों ईयर का, जो है ना जिस ईयर का छोटा हुआ उस ईयर का, और फिर जिस और करेंट ईयर का आप यहाँ पे टैक्स वाइज वैल्यू करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, और मैच कर लेंगे कि जो है ना आपका ये वैल्यू जो है ना आपका ये वैल्यू जो है ना आपका जो करंट ईयर का प्रॉपर प्रॉपर जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है, या फिर जो है ना एड जो के सारा वैल्यू प्लस जो है ना पिछले ईयर का वैल्यू जो है ना यहाँ पे आपको एड मिल जो है ना टोटल एड होना मिलना चाहिए, मीन्स आपको मैच करना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 1 करोड़ का है, पिछले ईयर का जो है ना 50 लाख का था, 1 करोड़ 50 लाख का आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको 1 करोड़ ही दिखेगा, दिखना है कॉलम 6 में, जब कॉलम जो है ना कॉलम 5 में यहाँ पे 1 करोड़ ही दिखना है, लेकिन पिछले ईयर का जो है ना आप यहाँ कॉलम 6 में जो है ना आपको फिर से जो है ना क्या करना, पिछले ईयर का भी और इस ईयर का भी ऐड करके 1 करोड़ 50 लाख का आपको यहाँ पे टैक्स का रेट वाइज यहाँ पे आपको कलेक्ट देना है, और फिर यहाँ पे सेव का बटन डालना है। जब सेव कर देंगे तो आप जो है ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो है ना ये आपका 1.5 करोड़ का जो है ना सेल, और प्लस ये जो है ना 50 लाख का सेल, पिछले ईयर का 1 करोड़ का सेल जो है ना वो 1.5 करोड़ का सेल, मीन्स यहाँ पे 50 जो है ना आपको मैच होना चाहिए, जो है ना। तो मैच कैसे होगा, तो यहाँ पे 1 करोड़ ही है आपका, यहाँ पे 1.5 करोड़ है, तो मैच तो हुआ नहीं, तो आपको जो है ना वो आपको मैनुअल मैच करना पड़ेगा कि आपने पिछले ईयर का जो है ना 50 लाख है वो, और इस ईयर का 50 1 करोड़ है वो, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का टैक्स यहाँ पर टोटल होना चाहिए, और यहाँ पे 1 करोड़ का होना चाहिए जो करंट ईयर का। तो आप जब जब सेव करेंगे और जब इसको जब प्रोसीड में डालेंगे और प्रोसेस कर देंगे, तो आपका क्या होगा कि आपका निगेटिव लायबिलिटी में जो है ना पिछले ईयर 50 लाख का आपका जो है ना दिख रहा था, वो आपका जो है ना खत्म हो जाएगा प्रोसेस होने के बाद। जब आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, फाइल कर देंगे आप, तो फिर आपका वो 2-3 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब दूसरा, बहुत से आदमी क्या करना चाहते हैं जो है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या इशू है, तो इशू इसमें बिग इशू आ जाएगा कि आप जब ना CMP 08 में करेक्शन करना चाहेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे समरी आता है 048, यहाँ पे आप करेक्शन करना चाहेंगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो है ना पिछले पिछले क्वार्टर का भी आप जो है ना
डाल के पिछले क्वार्टर ने पिछले ईयर का आप जो एक जो ना आपने कॉलम सिक्स में जेस्टर फोर में नहीं डाला था वो यहाँ पे ऐड करके आप यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ टैक्स जो ना आपका बनता है पीछे का जो है ना आपका नेगेटिव लैट बनता है उसका जो है ना ऐड करके जो है ना उसको एडजस्ट करके आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या आपको यहाँ पे आप जब जो है ना एक जब GSTR4 फाइल करने जाएंगे तो यहाँ पे टोटल असेसमेंट में आपको दिखेगा ऑटो पॉपुलेटेड में, और यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड में जब दिखेगा तो फिर आपका ये सेल में कंसीडर कर लेगी कि जो है ना डिपार्टमेंट। इसलिए बेटर है कि आप CMP 08 में का कॉल जो है ना आप यहाँ पे ऐड नहीं करें जो है ना पीछे ईयर का जो छूटा हुआ है आपका जो GSTR4 का जो है ना कॉलम सिक्स में छोटा ऐड नहीं करें। बेटर है कि आप GSTR4 जिस समय में फाइल करेंगे समरी ऑफ CMP 08 होगा आपका करंट ईयर का रहेगा, उसमें जो भी आपका ऐड करना है व्यू करना है जो भी एडजस्ट करना है वो आया तो आपका CMP 08 और ये मैच हो रहा है करेक्ट, उसको चेक करके आपको पिछले ईयर का जो छूटा हुआ है उसको आप कॉलम सिक्स में यहाँ पे एडजस्ट करें मीन्स एडजस्ट मीन्स ऐड करें, और ऐड करने के बाद आप फाइनली फाइल कर दें तो इससे आपका जो है ना GSTR4 का जो है ना कॉलम सिक्स में जो भी आपका है वो क्लियर हो जाएगा, और फिर जो ना आपका निगेटिव लाइबिलिटी जो दिख रहा है जो है ना स्टेटमेंट में वो आपका भी क्लियर हो जाएगा और आपका CMP 08 भी गलत नहीं होगा, और फिर आपका करंट ईयर का जो है ना कॉलम सिक्स जो है ना में ऐड होने का करंट ईयर में आपका सेल भी ज्यादा नहीं दिखेगा, जो एक्चुअल सेल रहेगा वही दिखेगा। लेकिन अगर CMP 08 में आप का जो है ना कॉलम थ्री में आप ऐड करते हैं तो आपको फिर जो है ना जो आपका करंट सेल करंट ईयर का सेल भी अधिक दिखने लगेगा, वो आपका सो कॉल्ड नोटिस में आ सकता है कि आप जो है ना इस तरह का जो है ना आपका ऐड हो गया है या लाइबिलिटी बन रही है इस तरह से, तो आपको इस यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर जो है ना आपको जो है ना GSTR4 का जो है ना कॉलम फाइव में भी आपको जो है ना ज्यादा दिखने लगेगा। इसलिए बेटर है कि CMP 08 को आप छोड़ दीजिए, पिछले ईयर का जो भी एरर हुआ उसको करेक्शन जो है ना CMP 08 के थ्रू आप करेक्शन नहीं करें, आप GSTR4 जिसमें फाइल करेंगे और कॉलम सिक्स में आप इसको पूरा तरह से इसको डालें जो है ना, और डालने के बाद आप जो है ना देखेंगे कि आपका जो सब जो प्रोसेस करेंगे आपका इस तरह से आप जो है वो निगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में जो है ना आपका अमाउंट आ रहा है वो बैक ईयर का जो है ना आपने कॉलम सिक्स में नहीं डाला था वो आपका एडजस्ट हो जाएगा और फाइनली आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतने, थैंक यू, जय हिंद।